तो हेलो एंड फिर से स्वागत है आप सभी का सिंगल प्लस वीडियो पे। आज अपन जा रहे हैं केटीएम की नई वाली जनरेशन का बेसिकली लॉन्चिंग है। तो यार सभी को बता दूं, जिन जिन को नहीं पता यार, दिल्ली या ऑल ओवर इंडिया में हर जगह सभी ने अपने अपने शोरूम में करा है लॉन्चिंग इवेंट। तो भाई हमें भी स्पेशल पार्टिसिपेट बुलाया, प्लस थोड़ा सा डिले हो गया भाई है ना लॉन्चिंग में, तो भाई बुरा मत मानना। प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट डाल दो कि नई वाली केटीएम कैसी है। प्लस हो सकता है कि इसके अंदर ना मैं एक पार्ट डालूं छोटा सा, तो आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि केटीएम 250 और 390 के नया डिस्प्ले आया है, ठीक है बेसिकली, तो वो सब दिखाना भी तो जरूरी है ना। चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो भाई अभी आ चुका हूँ केटीएम शहादरा। भाई आज से इनकी लॉन्चिंग, देखो यार डेट देखो, आज 1 अक्टूबर है, तो इन्होंने लॉन्चिंग रखी थी अपनी केटीएम नए वाले जनरेशन 3 की। तो फिलहाल अभी देखते हैं क्या प्रोसेस, क्या अपडेट है ना। तो भाई आज था अपना केटीएम 390 का नए जनरेशन का इनॉग्रेशन। हाँ जी भैया, क्या हाल है? थोड़ा लेट हो गया, माफी। अरे क्या बात है, अपने टाइम पर बनाएंगे ना केक स्पेशल वाला। तो भाई अभी इनोग्रेशन में देखो ये दो बाइक लगी है यहाँ पे, ये न्यू जनरेशन केटीएम 3rd जनरेशन बेसिकली, इनको बोल दो कुछ भी अपने हिसाब से, ठीक है। बाकी अभी देखो भाई लोग ये रील बना रहे हैं, बस अभी निकालते हैं तो दिखाते हैं आपको, है ना। बाकी जिन जिनको नहीं पता उनने तो देख चुका है कि केटीएम का नई जनरेशन में क्या क्या नए फीचर्स है ना। और बाकी आज इनोग्रेशन ये कर रहे थे बेसिकली 1 अक्टूबर, तो मैंने आपसे शेयर कर दी है। तो भाई ये देखो हो गई इनॉग्रेशन। अब इसका रील लेंगे ना स्पेशली भाई, इसकी अलग, इसकी अलग, और डेडिकेशन अलग वीडियो भी डाल रखी है मैंने। अब रील एक बनाई मैं छोटी सी, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे और थोड़ा बहुत प्यार भी दिखाओ ना रील पे। बाकी बट अपने तरफ से डिसाइड करना कि भाई कितनी ह्यूज, कितनी मतलब कंप्लीट चेंज कर दी है भाई केटीएम ने, तो ये बहुत अच्छा है। अपनी ये 390 बेसिकली और ये 250 दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस है, और पावर सेगमेंट में भी इंक्रीमेंट है, तो है ना ये चीज़ें देखो। बाकी काफ़ी अच्छा लगा शोरूम में आके। तो भाई ये है अपना केटीएम शहादरा बेसिकली, ये देखो अभी पूरा इन्फोटेनमेंट समझा रहे हैं भाई यहाँ पे कंप्लीट। और ये वैसे यार अलग से जो डेडिकेट बनाई है उसमें क्या ही बताओ उसके बारे में, और इनोग्रेशन हो चुका है मतलब अभी थोड़ा लेट हो चुका है बेसिकली, क्योंकि इससे पहले केक कटिंग वगैरह सब कुछ हो चुका। भाई ने हमें बताया कि हाँ केक वेक सब कट चुका है फिलहाल। भाई कुछ ऐसा है ये देख लो। तो भाई बात करता हूँ मैं 250 के TFT डिस्प्ले के बारे में, क्योंकि जो 250 का डिस्प्ले है ना वो काफ़ी अपडेट कर दे पहले के मुकाबले। पहले ऐसा कुछ भी डिस्प्ले नहीं आता था जो अब की बार दे दिया है केटीएम ने। तो पहले दिखाता हूँ मैं किस तरीके का, किस लेवल का डिस्प्ले अपडेट हुआ है केटीएम 250 ड्यूक में, है ना। तो बेसिकली देखो यार ये इनका पूरा पैनल तो पहली बार अपडेट हो चुका है ना, पहले जो चीज़ें आती थी इतनी बड़ी नहीं आती थी, यहाँ देखो हैंडल में चीज़ें अपडेट कर दी। पहले हम करते हैं ऑन इग्निशन, फिर दिखाता हूँ आपको डिस्प्ले में, तब मज़ा आएगा आपको। ये करा मैंने डिस्प्ले ऑन, अब देखो। तो भाई डिस्प्ले में भी काफ़ी कलरफुल लेंस डाला है, ट्राई किया है केटीएम ने, तो ये चीज़ें हैं। बाकी अब बात करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे देखो यार डिस्प्ले में ये पासिंग, ये हज़ार्ड, ये इसके एडजस्टमेंट के लिए स्विच वगैरह देखे, यहाँ पे हॉर्न, यहाँ पे ये चीज़ें, इग्निशन ऑफ ऑन ऑफ में भी काफ़ी डिफरेंस दे दिया, और यहाँ पे इग्निशन के लिए सेल्फ स्टार्ट। चलो अब दिखाता हूँ आपको क्या क्या डिस्प्ले 250 के अंदर मिलता है यहाँ पे केटीएम। तो बेसिकली देखो यार यहाँ पे क्या है, फ्यूल रिजर्व में आपको वार्निंग कुछ इस तरीके से शो करता है, ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन में डिस्प्ले है, ऊपर में कलरफुल दे रखा है, नीचे में ब्लैक एंड वाइट दे रखा है, ठीक है। तो ये देखो अभी फ्यूल रिजर्व में लगा है, यहाँ पे ओडोमीटर कितना चल चुका 5 किलोमीटर, रेयर ABS ऑफ है अभी ये दिखा रहा है, न्यूट्रल है और टाइम दिखा रहा है, और किलोमीटर कितना RPM चलेगा वो चीज़ें यहाँ दिखाता है ना। तो अब देखते हैं इसमें डिस्प्ले में क्या क्या चीज़ें मिलती है आपको। ये जैसे हम इन्फो में यहाँ पे आपको मिलता है ट्रिप 10 किलोमीटर चला है, एवरेज स्पीड, टाइम ऑन डेट, है ना। अब बैक जाते हैं तो इसमें देखो मोड्स क्या क्या मिलते हैं मेन्यू में, आप बताएं ABS यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, रोड एंड सुपर मोड, आपको कौन सा ABS डिसाइड करना है उसके हिसाब से यहाँ पे आपका ABS ऑन एंड ऑफ होता है। अभी हम सुपर मोड में इसलिए आपका ब्रेक ABS ऑफ है, बाकी आप अगर इसको ऑन कर दो रोड को तो आपके दोनों ABS ऑन हो जाएंगे। देखो अभी मैं सुपर मोड पर करता हूँ तो यहाँ पे जो ABS है वो ऑफ हो गया, अब देखो रोड पे गया तो ABS ऑन हो गया ना, तो ये रोड पे कर दिया मैंने नॉर्मल। बाइक इन्फो में आपको क्या क्या दिखाता है, इंजन टेम्परेचर, रेंज कितनी बाकी यहाँ पे, फ्यूल में, बैटरी कैपेसिटी, और ओडोमीटर कितना चल चुका, सर्विस ड्यू, तो अभी सर्विस कोई भी ड्यू नहीं है, ये चीज़ें इसके अंदर बाइक इन्फो में है। ट्रिप इन्फो में जाते हो ट्रिप 1 करता है और ये ट्रिप 2, तो ये चीज़ें हैं आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो ईजीली। तो ये चीज़ है। अब नेविगेशन, तो भाई ये इंडिया में आ चुका है नेविगेशन का भी सिस्टम 390 में भी और 250 में भी, तो वॉल्यूम से आप डिसाइड कर सकते हो नेविगेशन का, और ये मतलब नेविगेशन ये डिसाइड करता है कौन सा बटन किसके पर्पज से यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो स्टार्ट एंड स्टॉप नेवी ये अभी ज़रूरी है ना। ये देखो ऑडियो प्लेयर, अब बेसिकली अपना यहाँ से डिसाइड कर सकते हो किससे आपको गाने चलने, किससे ट्रैक चेंज करना है, क्या चीज़ें करनी है, तो आप सारी चीज़ें इधर से अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे बस इतना है। अब ये देखो लैप टाइमर,
यहाँ पे लैब, आप कितनी किलोमीटर चला रहे हो, यहाँ पे टाइमर स्पीड लगाओ, कितने में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये लैब होती रहेगी ना। तो ये चीज़ें इसमें काफ़ी मतलब पहले से अपडेट कर दिए। प्लस यहाँ पे सेटिंग्स, अब सेटिंग में फेवरेट, क्विक शिफ्टर है ना, अप एंड डाउन, यहाँ पे वो चीज़ें डाल दी, कनेक्टिविटी, आप नॉर्मल ब्लूटूथ फैन पेनिंग हेयरिंग हेडसेट टाइप, तो इसमें भी सेम कर दिया है। आप इसमें भी अपना इंटरकॉम और मोबाइल दोनों पेयर कर सकते हो अलग अलग, है ना। क्विक शिफ्टर यहाँ पे ऑन ऑफ का देता है आपको, क्विक शिफ्टर ये बेसिकली आप वही चीज़ है ना। यहाँ पे शिफ्ट लाइट, अब आप शिफ्ट करते अभी जैसे शिफ्ट लाइट होता है ना, जैसे अप डाउन करोगे तो ये आपको लाइट दिखाएगा। अभी 1000 किलोमीटर के विदाउट 1000 किलोमीटर का भी ऐसा कोई भी डिसीजन मतलब इसमें नहीं अपडेट आएगा। तो ये हो गया, यहाँ डेट एंड टाइम सेम, यहाँ पे यूनिट्स आपने क्या कितना वो करा है, डिस्टेंस टेम्परेचर सब आप डिसाइड कर सकते हो, किलोमीटर माइल्स वगैरह है ना, टेम्परेचर आपको सेल्सियस में लेना है फ़ारेनहाइट में लेना है, कंजम्पशन किलोमीटर पर लीटर वही करके 100 डिवाइडेड बाय वही करके ना है, लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मल करते हैं कंजम्पशन को किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से, जिससे हमारा एवरेज ईजी होता है जानने को ना। एक्स्ट्रा फंक्शन देखो, ABS मोड, ऑडियो प्लेयर, कॉल इन जब कॉल आएगा तो आपको ये चीज़ें, नेविगेशन या बेसिकली इसके लिए क्विक शिफ्टर, RCM या RCM, ये सब चीज़ें आपको मिलती है यहाँ पे ना, एक्स्ट्रा फीचर्स। तो बस ये चीज़ें थी, अब देखो फेवरेट में अब जाके अपनी चीज़ें लगा सकते हो ना। तो ये कुछ इस तरीके का इसका ऑडोमीटर था बेसिकली, ये भी बढ़िया कर दिया है KTM ने नो डाउट, है ना। तो ये कुछ इस तरीके का 250 का डिस्प्ले था जो कि आपके साथ शेयर करना था, क्योंकि बेसिकली पता है क्या था कि लोगों को ना इसके बारे में ही नहीं पता भाई, ये 5 इंच का डिस्प्ले आता है टाइप सी के पैनल के साथ में, तो 250 सेगमेंट में भी बढ़िया चीज़ कर दी KTM ने। तो ये कुछ इस तरीके की चीज़ है ना। बाकी यार होप करता हूँ आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा इसको देख के, है ना, और काफ़ी लोग भाई एक्साइटेड भी होंगे इसे खरीदने के लिए। देखो भाई एक बार होता हूँ, चलो ठीक है, आपने इनोग्रेशन किया ठीक है, अच्छी बात है, बाइक कब तक आएगी ये हमके पास है भाई, झूठ भी इतना सफ़ेद बोल रहे हो चलो यार ये तो शोरूम की नहीं अपनी वो ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी है। हाँ जी सर, बाकी मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ठीक है, डिलीवरी तो आपने मतलब इनोग्रेशन तो आपने कर दिया ठीक है, लेकिन ये बताओ मेरे को पहले बात कि बाइक में ना डिले क्यों हो रहा है, बाइक में डिले इसलिए हो रहा है कि जैसे नहीं कहता अभी मैंने बताया था सर पॉजिटिव गाड़ी को लॉन्च करने को नहीं रही है, मुझे पहले लॉन्च कर दिया, 2024 से नाम से लॉन्च करेंगे, तो क्या मतलब पहले अभी ना कोई भी बाइक जब आती है अभी कब आएगी हमारी भी कब आएगी आपकी वाली गाड़ी देख लो भाई, देख लो कितना डिले है, पहले पता है क्या हो रहा है, अभी देख लो अच्छा शादी में नहीं वो ठीक है, मैं शाम में देख लूंगा, आराम से लो कोई बात नहीं, बाकी यार देखो अभी टाइम है थोड़ा सा, बाकी देखते हैं ना, तो आपकी बुकिंग इसलिए आपको मिल जाएगी। हां भाई ये चलो बाकी सर अच्छा लगा, अच्छा आपने बुलाया, मस्त मजा आया है ना, डिलीवरी ले ले अभी लगे आते हाँ हाँ चलो भाई थैंक यू सो मच, आपने दो दो बार मेरे लिए मेहनत करी है ना, मुझे भी अच्छा लगा, पिछली बार ना भाई ने भी बहुत सपोर्ट करके हमारी फोटो वगैरह निकाली थी ना, लेकिन क्या नाम वही बात ना बता दो, बहुत शर्मा धीरे धीरे नाम ना, हाँ तो भाई को सपोर्ट करो यार, देखो इतना बढ़िया ये लोग करते हैं, और भाई इंडिया के नाम पता क्या होता है, बताऊंगा मैं अपने बैठी गाड़ी में क्यों KTM का नाम इतना खराब होता है। बाकी सर चलो हम भी चलते हैं, ये है KTM, 95% फाइनेंस कर दोगे आप, अरे सर चलो बाबा है ना।